तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू टिक के बारे में। व्हाट्सएप में आप अगर किसी को भी मैसेज करते हो या कोई भी आपको मैसेज करता है तो वहाँ पे ब्लू टिक मार्क नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे फ़ोन में ये जितने भी हमने SMS किए हैं, हमारे फ्रेंड ने देख लिए हैं, यहाँ पे सभी पे ब्लू टिक मार्क आ रहा है और आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है। तो इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बस दोस्तों एक सेटिंग करनी है और आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि इसी प्रकार की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जैसे हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन में आते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। जैसे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है, हमें सिंपल सा राइट साइड में कोने में हमारे सामने 3 डॉट वाला लाइन आता है। तो हमें सिंपल से इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद हमारे सामने जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, हमें सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खोल के आ जाएगा। तो हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा यहाँ पे जो आपको दूसरे नंबर पे प्राइवेसी वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और हमने बोला था आप लोगों को कि सिर्फ एक सेटिंग में आप अपना ब्लू टिक मार्क वाला जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन में देखिए, यहाँ पे जो ये जो बटन है ये आपके फ़ोन में ऑफ होगा, तभी आपके फ़ोन में ब्लू टिक मार्क वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तभी आपके फ़ोन में ब्लू टिक मार्क जो है वो अनेबल नहीं है। तो इसे आप जैसे ही ऑन करोगे तो ब्लू टिक मार्क आपके फ़ोन में भी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि और इस वीडियो से आपको अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने के बाद सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।